विश्लेषण की अगली कड़ी में बारी है राजिम की। छत्तीसगढ़ गठन के बाद इस सीट पर दो बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का कब्जा रहा। हर 5 साल में यहाँ की जनता अब तक प्रत्याशी बदलते आई है। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चंदूलाल साहू ने कांग्रेस के स्वर्गीय श्यामचरण शुक्ल के पुत्र अमितेश शुक्ल को लगभग 11,000 वोटों से पराजित किया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अमितेश शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी संतोष उपाध्याय को लगभग 4,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को एक बार फिर रिपीट किया। इस बार भाजपा के प्रत्याशी संतोष उपाध्याय ने कांग्रेस के प्रत्याशी अमितेश शुक्ला को लगभग 2400 मतों के अंतर से पराजित किया। 2018 यानी कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में तीसरी बार दोनों प्रत्याशी आमने सामने नजर आ रहे हैं। यदि जनता के पिछले फैसलों को देखें तो इस बार बारी कांग्रेस की हो सकती है। भाजपा के प्रत्याशी संतोष उपाध्याय अपनी सरकार के विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का उन पर निष्क्रियता का आरोप भी लगता रहा है। बहरहाल दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है।